12 रबीउल अव्वल इस्लामिक इतिहास की वह महत्वपूर्ण तारीख है जब अरब के कुरैश खानदान में बीबी आमना के घर एक यशस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। पिता अब्दुल दुनिया से रुखसत हो चुके थे, ऐसे में दादा अब्दुल मुतल्लिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालन पोषण किया। हुनहार बालक ने बचपन से ही अपनी प्रतिभा से अपने एवं आसपास के कबीलों में खास पहचान बना ली। उनके आचरण से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें सादिक, अमीन, सत्यवादी और जैसे उपाधियों से नवाजना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उन्हें अपना ईशदूत बनाकर लोगों के मार्गदर्शन के लिए दुनिया में भेजा। ईशावाणी के रूप में कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिका खल्लक अर्थात पढ़ो अपने रब के नाम से जो इस सृष्टि का रचयिता है के द्वारा कुरान शरीफ का अवतरण शुरू हुआ। नियमित रूप से जिब्रील अलैहि सलाम खुदा का पैगाम लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पास आते थे। अल्लाह के नबी यह संदेश अपने कबीले के लोगों को सुनाते थे। वे कहते थे, एक अल्लाह की उपासना करो जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सच बोलो, जीवों पर दया करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बड़ों का आदर करो, व्यभिचार से बचो, महिलाओं की रक्षा करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जिस समय दुनिया में आए उस समय अरब में अराजकता फैली थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने तमाम बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़कियों के पालन पोषण पर जन्नत की खुशखबरी दी। महान ईशा दूत ने मात्र 23 वर्ष में दुनिया की तस्वीर एवं तकदीर बदल कर रखती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।